खबर जैसलमेर के पोखरण से है, जहां पर कैबिनेट मंत्री सालेह मोहम्मद ने प्रशासनिक अधिकारियों की एक बैठक ली। इसमें पोखरण एसडीएम अजय अमरावत और पालिका अध्यक्ष आनंदीलाल गुचिया भी मौजूद रहे। बैठक में कोरोना की रोकथाम को लेकर और उसकी जागरूकता को लेकर चर्चा की गई। इसी के साथ में ईद के पर्व को लेकर प्रशासन की तैयारियों की भी समीक्षा इस बैठक में की गई। इस दौरान मंत्री सालेह मोहम्मद ने ईद की मुबारकबाद दी और घर पर ही नमाज अदा करने की अपील की। जिस प्रकार से ये महामारी जितनी बढ़ती नुकसान करती और आप लोगों ने सहयोग किया, उससे मैं समझता हूँ कहीं कहीं आप लोगों के सहयोग से सहायता से कंट्रोल हुआ और ये बीमारी महामारी पूरे देश और राजस्थान के अंदर इतनी ज़्यादा नहीं फैली। पर इस दौरान कई चीज़ों की आप लोगों को तकलीफें भी हुई, कई आप लोगों ने मुसीबतें भी झेली, उसके बावजूद भी आप लोग इस सरकार की एडवाइजरी की पालना खड़े उतरे। और अभी खास तौर से मैं मुस्लिम भाइयों से अपील करना चाहूँगा कि अभी माह रमजान का पवित्र महीना था और आप लोगों ने रोजे रखे, आप सभी रोजेदारों को मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। और ख़ास तौर से जो जुमे की नमाज के मामले में जो आप लोगों से हमने राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब ने तमाम धार्मिक लोगों ने अपीलें की कि आप अपने घरों में रह करके इबादत करें, तो आप लोगों ने उसकी पालना की।